साई राम दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। माना जाता है शिरडी के साईं भक्तों के दिल में हर समय मौजूद हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से साईं बाबा का स्मरण करते हैं, साईं बाबा उन पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। वैसे तो साईं बाबा की तस्वीर का हर रूप सुख और मंगलकारी है, चाहे वो पानी से दीपक जलाते हुए हो या समाधि में बैठे हुए हो। ऐसे में शिरडी के साईं की तस्वीर को घर पर लगाना अत्यंत ही सुखकारी माना जाता है। विशेषकर साईं के कुछ रूपों की तस्वीर घर में लगाने से विशेष कृपा होती है और सभी संकट और कष्ट भाग जाते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर को आप अपने घर पर लगाते हैं तो उससे कैसे आपको कृपा मिलेगी और आपके ऊपर साईं की अपार कृपा आएगी। वैसे भक्तों, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर मूर्ति को शयन कक्ष, जहां आप सोते हैं जिसे बेडरूम भी कहते हैं, वहां कभी भी साईं बाबा की तस्वीर को ना लगाएं। साईं बाबा बाल ब्रह्मचारी माने गए हैं, ऐसे में साईं बाबा की तस्वीर शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। वहीं भक्तों, धर्म और साईं ज्योतिषों की माने तो साईं बाबा का प्रताप पूर्व दिशा में ज्यादा रहता है, इसलिए साईं बाबा की तस्वीर पूर्व दिशा में ज्यादा लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि सुबह की शुरुआत उगते हुए सूर्य को देखकर हो और दिन शुभ हो। वैसे में अगर आप द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए श्री साईं बाबा का समराव जयकार द्वारा लगभग 1911 में बनाया गया तेल चित्र भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। चित्र को साईं बाबा के जीवन काल में समराव जयकार ने बाबा के समक्ष बैठकर बनाया था, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। वैसे तो साईं बाबा का मुख का यह पिक भी बहुत ही शुभकारी है। इसमें साक्षात साईं हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा साक्षात साईं आपको देख रहे हैं। तो अब हम आपको साईं बाबा के उस दुर्लभ और चमत्कारी तस्वीर का बता ही देते हैं। इस तस्वीर में इतनी शक्ति और तेज है कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको सारा संसार साईंमय नजर आएगा और आपके घर में इस तस्वीर को लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपको साईं बाबा के इस तस्वीर के शुभ दर्शन से सफलता प्राप्त होगी और सारी बीमारी और रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, बाबा की तस्वीर सुबह स्नान करने के बाद ही लगाएं और जहां पर आप साईं बाबा की ये तस्वीर को लगाएं उस जगह को अच्छे से साफ कर शुद्ध जल से शुद्ध कर लें। तो आप देख रहे हैं ये साईं बाबा की तस्वीर, इसे आपको अपने घर में पूर्व दिशा में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, शिरडी गाँव में भिक्षा के लिए निकले हुए श्री साईं बाबा का ये छाया चित्र अत्यंत दुर्लभ है। इसमें साक्षात बाबा की भिक्षा हेतु घर घर जाकर भक्तों से भिक्षा याचना करते हुए यह तस्वीर है। बाबा को अगर आप भी बुलाना चाहते हैं तो साईं की यह तस्वीर अपने घर में आज ही लगा लें। देखिए कैसे साईं आपके घर में भिक्षा लेने आते हैं और आपके द्वारा दिए हुए दान से ऐसे आपके घर में झोली भर देते हैं, क्योंकि हम सभी भी बाबा से हर समय अपने लिए कुछ ना कुछ भिक्षा मांगते ही रहते हैं। साईं भी हमें हर समय हमारी हर मुराद को पूरी करते हैं और साईं भी हमारी सारी मांगों को पूर्ण करते हैं। साथ ही बाबा का यह तस्वीर लगाने के बाद उसे गंगा जल से शुद्ध कर चंदन तिलक व पुष्प लगाकर अपनी सारी बातें साईं को बताएं और अपने परिवार पर साईं बाबा की कृपा बनी रहे ऐसा कहकर साईं बाबा से प्रार्थना करें और हर रोज अगर हो सके तो अपने पूजन घर में एक गुल्लक रखकर प्रतिदिन श्रद्धा से उस गुल्लक में साईं के लिए कुछ दान करें। उस तस्वीर में महसूस करें कि साईं दक्षिणा लेने आए हैं और उस गुल्लक में आप वो दान डाल दें और जब वह गुल्लक भर जाए तो किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की सामग्री का दान बाबा के उस दक्षिणा से कर दें। देखो साईं बाबा कैसे आप पर कृपा करेंगे। आशा करते हैं साईं की इस दुर्लभ चमत्कारी तस्वीर से आपके मन को अच्छा लगा होगा और आप भी साईंमय हो गए होंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साईं बाबा आपका भला करे।